खबर बिजनौर से है, जहां पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया स्वागत। मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई, मिशन 2024 के बारे में चर्चा भी की। बिजनौर के SP दिनेश सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए। आपको बता दें कि आज जनपद बिजनौर के डाक बंगला में पहुंचे नरेंद्र कुमार कश्यप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार ने भाजपा सरकार के विकास कार्य की उपलब्धियां गिनाई और विधानसभा बिजनौर और विधानसभा बड़ापुर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से मिशन 2024 के बारे में चर्चा की गई। और राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार ने बताया कि भाजपा सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। भाजपा सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। और आज मैं बिजनौर में प्रथम दौरे पर आया हूँ और जनपद बिजनौर के सभी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से वार्ता भी की गई है। बिजनौर के SP दिनेश सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए। क्या जानना है? उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को भरोसा जताया और पुनः सत्ता में आने का मौका दिया है। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी लोग जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प कल्याण पत्र में कही गई थी उन सब बातों को पूरा करने में लगे हुए हैं। हर समाज का ध्यान रखते हुए, हर कानून का नियम का ध्यान रखते हुए आपने कुछ समाजों के नाम लिए, तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की नीति को फॉलो करने वाली है। उसी क्रम में बैकवर्ड समाज के लोगों का मुद्दा आपने उठाया, पिछड़े वर्गों के हक में मोदी जी से लेकर योगी जी तक जो इन 8 सालों में काम हुए हैं, भारत के इतिहास में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा मोदी जी की सरकार में दिया गया, 27 सांसद OBC मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने, देश की सरकार ने नीट जैसी परीक्षा में 27% रिजर्वेशन लागू करके बैकवर्ड बच्चों को MBBS MD जैसे एग्जाम में बैठने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में भी लगातार योगी जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, जो अपेक्षित रूप की आवश्यकता है उन सबको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश की जनता का आभार जताते हैं और जो काम अभी और हमें जनता के लिए करना बाकी है उसके रोडमैप हमारे पास है, सरकार के पास है। निश्चित मत है कि इस दूसरे कालखंड में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में अवश्य कामयाब होगी। 2024 करीब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी हैं जो 2019 में भाजपा नहीं जीत पाई थी, उनके लिए क्या कोई विशेष रणनीति अपना रही है प्रदेश संगठन या प्रदेश सरकार? जिस तरह का काम 8 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, विश्व पटल पे अपनी छटा अपने प्रतिष्ठा को भारत की प्रतिष्ठा को भारत माता के गौरव को बढ़ाया है, उस परिवेश में जब भी हम सोचते हैं और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो साफ चेहरा, जो त्यागी है, तपस्वी है, सन्यासी है, जो पूरा जीवन प्रदेश की जनता के लिए समर्पित करके काम कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी का जो कॉम्बिनेशन है काम करने का, देश को प्रदेश को आगे बढ़ाने का, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में भी जीती और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में जीती। जब भाजपा रामपुर आजमगढ़ जीत रही है तो 2024 लोकसभा का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, देश प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों पर जनता के साथ कनेक्ट होकर लड़ेंगे। निश्चित 80 से 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी और ये बहुत संभव है कि हम 80 सीटों पर